डॉक्टर साखला, ये देखिए मैं स्टूडियो में खड़ा हो गया हूँ, ये देखिए मैं खड़ा हो गया डॉक्टर साखला, बिल्कुल ये देखिए मैं आपके सामने खड़ा हो गया, और खड़े होकर के बैठ करके नहीं, मैं खड़े होकर के आपको वचन दे रहा हूँ डॉक्टर साखला कि मैं कल से ही ये काम करने जा रहा हूँ, कल से ही। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जिस मजबूती के साथ डॉक्टर साखला ने चुनौती दी है, चुनौती दी है इस देश को, तो मैं देश के अपने तमाम नागरिकों से आग्रह कर रहा हूं कि डॉक्टर साखला की चुनौती को स्वीकार कीजिए, डॉक्टर साखला की चुनौती को स्वीकार कीजिए। डॉक्टर खादर वली को भी लाएंगे और डॉक्टर एनके शर्मा को भी लाएंगे, डॉक्टर अवधेश पांडे को भी लाएंगे, डॉक्टर मुफस्सिल को भी लाएंगे और डॉक्टर पेथेकर को भी लाएंगे, सचिन पेथेकर को भी लाएंगे, डॉक्टर गायत्री को भी लाएंगे। मैं तो आशुतोष जी, आपों की जमात आपके सामने, मैं आज आपको घोषणा करता हूं कि आपके सामने डॉक्टरों की जमात खड़ी कर दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे एलोपैथ के भी डॉक्टर रहेंगे। आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए बोलिए। आशुतोष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके आपके जैसे एक उम्दे पत्रकार को तो इस देश की आरोग्य समस्या को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी कड़ी आपने जोड़ी है, आप हमको लाइए सामने, और अगर हम लोग 1% भी कम हुए एलोपैथी की पूरी चिकित्सा जगत से, 1% भी हमारी बात इलॉजिकल रही, तो आप उसी क्षण हमको वहां से निकाल दीजिए। मैं इसको दावा करता हूं कि हम लोगों की केवल हमको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, हमको इस देश की सरकारों ने केवल 2% बजट में लपेट के रखा है, 98% एलोपैथी के चक्कर में हम लोग चले गए और 98% लोग भी उसके पीछे चले गए हैं। इस भूल भुलैया से हमको बाहर निकलना होगा। एलोपैथी का पूरी दुनिया ये झूठा साइंस है, एक फ्रॉड साइंस है, ये नॉन साइंस है, केवल पावर प्ले है, ये केवल फियर फोबिया है, लोगों को बीमारियों का डर बता के ब्लैकमेल किया जा रहा है और पैसा और उनका शरीर, उनका जीवन, उनका मानसिकता पूरी तरह से बर्बाद की जा रही है। मैं इसको दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए तो मैं किसी भी सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं डॉक्टर साखला, अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, अगर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अगर ये कहने पर तिल मिला जाए कि एलोपैथ को फ्रॉड साइंस कह रहा है, तो उनको तिल मिलाने दीजिए, उनको तिल मिलाने दीजिए, उनकी तिल मिलाहट बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा रामदेव के भी खिलाफ पड़े हुए हैं, वो पहुंच गए थे, वो कोरोनिल को लेकर के उनके पेट में दर्द हो रहा था, क्योंकि लेकिन मैं डॉक्टर साखला, मैं पैथी को बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूं, मैं डॉक्टर गायत्री की बात से सहमत हूं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो क्विक्स हैं, जो फ्रॉड है, उन डॉक्टरों ने फार्मा कंपनियों के साथ मिलकर के इस देश को ठगने का जो है आचरण किया है, और उस आचरण नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए मैं आप देखिए हेलो हाँ बोलिए बोलिए मुझे आ रही आवाज, आप बोलिए 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 बोलिए। दो मिनट आप मुझे दीजिए, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। एक किताब है डिसेंटिंग जी, एक किताब है डिसेंटिंग डायग्नोसिस, ये किताब लिखी है एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है श्री अरुण गर्दे साहब, ये पूना के हैं, और ये डॉक्टर है दिल्ली एम्स के, वो है अभय शुक्ला जी, ये भी एपिडेमियोलॉजिस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन में डॉक्टर है, और इन्होंने किताब लिखी डिसेंटिंग डायग्नोसिस। उन्होंने अपनी किताब में ये बोला है कि पूरी दुनिया की भ्रष्टतम व्यवस्था अगर कोई है तो हमारी ये मेडिकल केयर सिस्टम है। आप देखिए पूरा एलोपैथी केवल बिजनेस, केवल पैसा कमाने का एक बहुत बढ़िया जरिया है, एलोपैथी इज वेरी गुड फॉर बिजनेस एंड इट इज वर्स फॉर हेल्थ। इस बात को हम लोग जब जितना जल्दी समझ जाएंगे हमारी पीढ़ियों को हम लोग बचा पाएंगे। डॉक्टर आप अपनी बात पर टिके रहिए, मैं कल एलोपैथ के भी डॉक्टरों को बुलाता हूँ, और कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है, ये गुड़ी गुड़ी कोई बात नहीं चलेगी। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स मित्र है ना, ओ नहीं नहीं ये भी मानना चाहिए वो भी मानना चाहिए, वो नहीं चलेगी। अगर आप अपनी बात को साबित कर पाए कल तो हम आपके बिल्कुल, साथ बिल्कुल, खड़े रहेंगे। और बिल्कुल, अगर, बिल्कुल अगर उनकी बात, क्योंकि मैं मानता हूं कि पूरी तरह से एलोपैथी को नकारना अनुचित होगा, मैं इस बात में बिलीव करता हूं। मैं कुछ गड़बड़ियां हो गई होंगी, उनकी क्वेकरी हो गया होगा, लेकिन मैं इस बात में थोड़ा बिलीव नहीं करता हूं। ये बात ठीक है कि 99% फार्मा माफिया ने कब्जा कर लिया है, ये बात मैं मानता हूं आपसे, लेकिन मैं आपको बताता हूं जो नहीं, मैं एक थोड़ा यहाँ बीच में बोलना चाहती हूँ। इंटरवेंशन, लेडीज इंटरवेंशन, या प्लीज। नहीं, क्योंकि इफ ओनली वन एस्पेक्ट व्हाट आई वुड से इज कि एलोपैथी सिर्फ एक ही मेडिकल सिस्टम ऐसी है जहाँ पे होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, यानी होम्योपैथी रहे या आयुर्वेदिक रहे तो हम लोग यूजुअली डायनेमिक प्लेन पे ज्यादा सोचते हैं व्हाइल ट्रीटिंग पेशेंट,
यानी बॉडी माइंड एंड स्पिरिट जो हम बोलते हैं, बट दिस कॉन्सेप्ट इज लैकिंग 100% इन एलोपैथी. सो वो एक चीज है कि जहां पे लिमिटेशंस. चलिए तो कल बात करेंगे. वेरी गुड डॉक्टर गायत्री, हमको उम्मीद है कि कल आप दूसरे एलोपैथ के जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं, जिन्हें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, उनसे दो दो हाथ होना है और इसी प्लेटफॉर्म पर होना है. और मैं भारत के अपने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि हेल्थ केयर को ठीक करने के लिए हमारा ये टोटल नेटवर्क क्यूबाई, प्रकाश और उन्नति, तीनों नेटवर्क जुड़ करके काम करेगा. लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सिर्फ हमें देख लीजिए, इससे बात नहीं बनेगी. जैसे ही हमारा फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे लाइव शुरू हो, रंबल पे, आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, शेयर करना शुरू कर दीजिए. और ये सारे डिबेट्स आपको हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म है qvibe.in पर भी मिलेगा, prakashtv.in पर भी मिलेगा, unnatinews.in पर भी मिलेगा. इसलिए उन तीनों प्लेटफॉर्म को भी आप कैरी करते रहिए, उससे भी आप फॉलो करते रहिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए. हमने आज से इस अभियान की शुरुआत कर दी है. डॉक्टर साखला की चुनौती को हमने स्वीकार कर लिया है. एलोपैथ के डॉक्टरों के साथ मिल करके हम इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देश की आवाम को कुछ साइंटिफिक, कुछ वैज्ञानिक, कुछ ऐसी सूचना देने की कोशिश करेंगे जिसको कुछ माफिया ने, कुछ रावण ने दबाने की कोशिश की है. इन बेशर्म रावणों से हमको सारे पैथी को बाहर निकालना है. डॉक्टर साखला, डॉक्टर गायत्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. कल 7:30 बजे तक के लिए आशुतोष को अनुमति दीजिए. नमस्कार.